3 लाख रुपए लगेंगे। मैं यहाँ टैक्सी खरीदने नहीं आई हूँ, समझे? पर मैं ये टैक्सी यहाँ बेचने के लिए लाया हूँ। बेवकूफ कहीं का। हेलो, टैक्सी चाहिए? सॉरी, राजा राम नगर तक चलोगे क्या? नहीं, अभी नहीं जाऊँगा मैं। सब बेवकूफ है यहाँ पर। चलो ना, राजा राम नगर जाना है। बोला ना, अभी नहीं जाऊँगा। टैक्सी मेरी ऑलरेडी बुक है मैडम, कस्टमर का मैं वेट कर रहा हूँ मैडम। यहाँ तो कोई ठीक से बात ही नहीं करता। टैक्सी चाहिए मैडम? कहाँ से आ रही हैं आप? यूएस। ओह सुपर, मेरी टैक्सी भी सुपर है मैडम। एक बात बताऊं मैडम, इंडिया में बस 3 चीजें ही फेमस हैं। एक इनकम टैक्स, दूसरा टोल टैक्स और तीसरी मेरी टैक्सी। टैक्स और टैक्सी के बीच फर्क ही नहीं पता। मैडम मेरा नाम है संतोष, माँ प्यार से मुन्ना कहती है, पापा प्यार से चिन्ना कहते हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे संतु बुलाते हैं। आप जिस नाम से चाहो बुला सकती हो। ड्राइवर, गेट माय लगेज। यस मैडम। आपको एक बात बताएं, यहाँ के जितने भी ड्राइवर हैं सब टैक्सी चलाते हैं, लेकिन बस मैं एक ही हूँ जो लव करता है। क्यों, टैक्सी चलानी नहीं आती? मेरा मतलब वो नहीं है मैडम, बड़े कहते हैं ना कि हम जो काम करें उसे प्यार से करना चाहिए। तुम्हारे बारे में नहीं जानना, टैक्सी के बारे में बताओ। मेरे दिल के करीब है ये टैक्सी, मतलब ज्यादा बड़े रेंज की नहीं है पर एक अच्छे रेंज की है। सिंपली भाषा में बोलूं तो BMW की ब्रदर CMW समझ लीजिए। तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो कहीं ये तो नहीं ना? इसी के बारे में मैडम। ये कार नहीं, बेकार है, इट्स डिस्गस्टिंग। अभी कुछ देर पहले तो इतनी बढ़ाई कर रहे थे इसकी। हाउ कुड यू डू दिस? मैडम, पोस्टर और प्रोमो देखकर कभी पिक्चर कैसी है तय नहीं किया जाता, उसी तरह कार का आउटडोर देखकर उसे छोटा दिखाना गलत बात है मैडम। आप अंदर बैठ के बात कीजिए, कम ऑन। मैं नहीं बैठूंगी। हाँ? ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ से कोई टैक्सी राजा राम नगर तक जाएगी क्या? ऐसा मत बोलिए, पहली बहनी है, प्लीज आप बैठिए ना। नो वे, क्यों बैठूं मैं इसमें? एसी नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, क्यों चढ़ूं मैं तुम्हारी टैक्सी में? चढ़ने का सिर्फ एक रीजन बता दो मुझे, मैं बैठ जाऊंगी। अब इस वक्त
कोई दूसरी टैक्सी नहीं है मैडम। स्टार्ट करूं मैडम? पहले इस बोर्ड को निकालो फिर स्टार्ट करो। मैडम बोर्ड तो एकदम फर्स्ट क्लास है। पर गाड़ी बेकार है, निकालो कहा ना, अब जल्दी करो। वैसे मैडम एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना है। हाँ? आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी आदतें, आपका बिहेवियर इतना अलग कैसे? हाँ, थैंक्स। सामने देखो। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? मुझे मैडम कहकर बुलाओगे वही अच्छा रहेगा। चुपचाप गाड़ी चलाओ। हाँ बोल, कैसे फोन किया? अरे रास्ते में हूँ। संभल कर चलाना। हाँ ठीक है ठीक है, जानता हूँ। ड्राइव करते समय फोन पर बात करते हो? Do you have any sense? हाँ लाइसेंस है मैडम। बकवास है ये तो। मैडम आप हंसती नहीं हो क्या? हंसती हूँ ना, जब कोई बैड जोक मारता है तब। मेरे रिलेटिव पूछते हैं कैसी हो तब हंसती हूँ। मेरे फ्रेंड्स के साथ हर दम हंसती रहती हूँ, पर एक ड्राइवर के साथ मुझे नहीं लगता कि हंसने की जरूरत है। आखिर क्यों हंसूं मैं? मैडम आप हर बात पर मुझे ड्राइवर ड्राइवर कह के बोलती हो ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहूंगी तो क्या डॉक्टर कहूंगी? हेलो, मेरा एक नाम है संतोष। ओके ड्राइवर संतोष, आप खुश हो ना? ड्राइवर संतोष। देखो तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो और मैं इस टैक्सी की टेम्पररी ओनर हूँ। हम दोनों के बीच बस यही रिलेशन है, वो भी 4 घंटे की जर्नी के लिए। अब मुझसे कुछ मत पूछना, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। ड्राइवर पीने का पानी है? हेलो दिस इज जनरल वाटर, आई ड्रिंक ओनली मिनरल वाटर। ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह का है मैडम। यू नो इसमें फ्लोरिन ज्यादा होता है, उससे बुखार आ सकता है, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे डायरिया हो सकता है, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, एस्निकोसिस, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। शराब बीड़ी सिगरेट पीने से आदमी मरता है ऐसा सुना था, लेकिन पानी से भी आदमी मर जाता है, फर्स्ट टाइम आपसे पता चला मैडम। रास्ते में डिपार्टमेंटल स्टोर है तो गाड़ी रोकना, मुझे मिनरल वाटर लेना है। अब चलाओ ना गाड़ी। हाँ चला तो रहा हूँ। ये डब्बा क्या है? ये डब्बा नहीं है मैडम, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, पर आपको जो पानी चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। What are you talking? हैदराबाद में मेट्रो आ गया, इतनी तरक्की हो गई है और यहाँ मिनरल वाटर नहीं मिलता? इतना विश्वास है आपको? चलो देखते हैं। क्या चाहिए? अंकल मिनरल वाटर प्लीज। क्या? हिंदी हिंदी। सॉरी चाचा जी, मिनरल वाटर है क्या? हाँ एक मिनट रुको। चाचा जी ये मिरिंडा है, मुझे मिनरल वाटर चाहिए। मतलब? मतलब बिस्लेरी, एक्वा फिला। ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक यहाँ नहीं मिलती बेटा। कोल्ड ड्रिंक नहीं चाचा जी, मिनरल वाटर मतलब पीने का पानी। अरे पीने के पानी के लिए पैसा किस लिए? सावित्री क्या है? लोटे में ठंडा पानी लेकर आओ। ये लो बेटी। नो चाचा जी, थैंक्स। अरे रुकिए रुकिए, पी लीजिए, इतने प्यार से जो दे रहे हैं। अगर इसे पी लूंगी तो पेशेंट बन जाऊंगी। नहीं तो कोल्ड ड्रिंक ले लो, इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स होते हैं। अरे वो लोग जानवरों को नहीं मारते हैं तो हमको क्या मारेंगे? नो वे। अरे चाचा जी ऐसा वैसा कुछ मत समझना, उसका थोड़ा क्रैक है। इलाज चल रहा है क्या? हाँ एकदम सही समझे। अच्छा चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा। अरे बाप रे, अगर ये ऐसी है तो इसका बाप कितना खतरनाक होगा। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, शादी करना भी गलत बात नहीं है, पर प्यार करके शादी करना गलत बात है।
ये एक अलग तरह का योग होता है, जब एक कुल वाला दूसरे कुल वाले से शादी करके एक नए कुल को जन्म देता है। देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी की गांव में क्या वैल्यू है तुम्हें पता है ना? जिससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे उसे 50 लाख देने को तैयार थे, यानी कि तुम्हारी वैल्यू 50 लाख रुपए के बराबर है। और इसकी वैल्यू, इसकी जेब में 50 रुपए रखे तो इसे 10 रुपए में भी कोई नहीं खरीदेगा। समझ में नहीं आया? इसकी वैल्यू नहीं है ये नहीं कह रहा, वैल्यू इसकी माइनस में है बेटी। बाप जो है स्कूल की फी पॉकेट मनी देने वाला नहीं है, बच्चों की लाइफ को अच्छी तरह से डिजाइन करने वाला है, उस तरह का एक इंजीनियर है। तुम लोगों की लाइफ हम कंक्रीट और सीमेंट से बनाना चाहते हैं, और तुम लोग ऐसे मिट्टी की वैल्यू वाले से प्यार करके अपनी जिंदगी में खुद गड्ढा खोद रहे हो। हर कोई इंसान है ना मालिक। वो तो है, देखो 10 रुपए के नोट पर भी गांधी जी की तस्वीर होती है, 2000 के नोट पर भी गांधी जी की तस्वीर होती है ना, तो क्या दोनों एक ही चीज होती है? दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। मेरी उससे शादी करवा दीजिए, मैं उन्हें खुश रखूंगा। ये बताओ तुमने पढ़ाई लिखाई कितनी की है? डिग्री पूरी कर ली है मैंने। बेटा अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट दिखाकर अगर कहीं नौकरी करेगा तो तुझे 10,000 मिल जाएंगे। घर खर्च तो क्या, बिजली का बिल भी नहीं भर पाओगे। सर्टिफिकेट लेकर ग्रामीण बैंक में जाकर लोन मांगोगे तो 50,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं तुम्हें। ना तो उससे घर चलने वाला है और ना ही उससे तेरी जिंदगी। और फिर तुम कैसे हैप्पी रखोगे? देखो कोटेश्वर जी मालिक, अपने बेटे से बोल दो तुम प्यार में कुछ गलत नहीं, लेकिन प्यार करने से पहले अपनी वैल्यू क्या है ये जान लेने के लिए बोलो, और फिर सामने वाले की वैल्यू जानकर उसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके फिर उसे प्यार करने को बोलो। लेकिन यहाँ तो सामने वाले घर में फिल्म हीरोइन जैसी है, पड़ोस के घर में जो रहती है वो कटरीना जैसी है, इन सब से प्यार नहीं होता है। हा? ले जाओ इसे, थक गया बेचारा। जी मालिक चलो। सुनो बहन, अपनी बेटी को ले जाओ, तुम यहीं ठहरो। ट्रेन जब पटरी बदलती है तो गलती ट्रेन की नहीं होती, ड्राइवर की होती है। अगर बेटी कंट्रोल में नहीं है तो गलती बाप की होती है। गलती करना गलत बात नहीं, पर उसे सुधार नहीं करना बहुत बड़ी गलती है। जाओ उसे कंट्रोल में रखो। हाँ बेटा, टैक्सी मिल गई? हाँ माँ मिल गई, बेकार सी टैक्सी। और ड्राइवर कैसा है? टैक्सी जैसा ही है माँ। ओहो, बेकार टैक्सी बोल रही हो, घर तक आओगी या नहीं? ऐसा नहीं होगा माँ। संभल कर आना। हाँ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है, पढ़ाई कर। ऐसे क्या देख रही है, जैसे सामने किसी रेपिस्ट को देख लिया हो। अरे हवा पलटती है तो कार रुकेगी ही ना। बक बक बंद करो और गाड़ी से उतरो। हाँ ठीक है। बेकार ड्राइवर, बेकार टैक्सी, बेकार जोनी, डिस्गस्टिंग। मैडम एक आइडिया है। ए, पागल हो क्या? ये नहीं, सेकंड वन। अच्छा ये ठीक है। हाँ हो गया, बंद तो करो। वीडियो देखकर गाड़ी तो रिपेयर कर दी, पर कार स्टार्ट होगी ना? क्या हुआ? देख लिया ना, स्टार्ट हो गई। कम से कम आप थैंक्स तो बोलो। किस लिए थैंक्स बोलू? डेटा मेरा यूज हुआ है, अगर मैं हेल्प नहीं करती तो कैसे स्टार्ट होती कार? ओए, क्या लड़की है बाबा रे, ओए।
क्या बोलती है बाबा रे, ओए थोड़ी एड़ी है बाबा रे, ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। Why did you stop here? आपको भूख लग रही है ना? मुझे कोई भूख नहीं लगी। भूख लगी ऊपर से आकर। शर्माइए मत, भूख लग रही है तो मरने से पहले एक बार यहाँ का सांबर खाना बहुत जरूरी है। दाल कड़ी और वो राजमा बोले तो उसमें 9 रस होते हैं। आपको एक बार तो चक्कर देखना ही चाहिए मैडम। ओह तो ऐसी बात है। हमारे घर में भी दाल बनती है और उसके बारे में जितना कहो उतना कम है। वो भी देसी घी से बनती है। उसके बारे में पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं भी ऐसे बहुत कुछ कह सकती हूँ। फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे ना खाने से तुम्हें क्या मतलब? अरे मैडम, आप मेरे पैसेंजर हैं और मैं आपका ड्राइवर। अगर आप खुश रहेंगी तो मैं खुश रहूंगा। और भूखे पेट मैं गाड़ी ठीक से नहीं चला पाता। सच में नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। चलो उतरो, खाते हैं। सच में तुम्हें खा
खाना है इसीलिए खा रही हूँ। वैसे मुझे भूख नहीं है। कहाँ तक पहुँच गए? कुछ खाने के लिए होटल में जा रहे हैं माँ। आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और सुन, अपनी बैग संभाल कर रखना। टैक्सी में है। पागल है क्या? टैक्सी में रखेगी तो कोई चुरा ले जाएगा ना। अपने पास रख ले। ठीक है, बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। ठीक है, रखिए। वे, ऑर्डर लिया क्या? हाँ ले लिया मैंने। आईफोन यूज करते हो? पैसेंजर भूल गया लगता है। आपकी जुबान से एक भी अच्छा शब्द नहीं निकलता मैडम। ये मेरा ही है। तुमने खरीदा है ये? हाँ मैंने खरीदा, सेकंड हैंड में खरीदा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर और ये होटल वेटर आईफोन सेकंड हैंड क्या थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड भी नहीं खरीद सकता। अच्छा चलो ठीक है। अब ब्रदर जरा एक बार अपना फोन मैडम को दिखाना। आईफोन 6 प्लस है भाई। वहाँ देखिए मैडम। एक मेरी किस्मत है। अरे माजी जरा एक बार अपना फोन दिखाइए मैडम को। हेलो मैडम देखिए सैमसंग नोट 3 फोन है, सोच रही हूँ बदल लूँ बेटा। सैमसंग नोट 3 फिर भी बदलना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? एक फोन मेरे पास है लोकल, किस्मत है। देखा ये इंडिया है मैडम, सैलरी लाखों रुपए भले ही ना हो पर जिंदगी लग्जरियस होनी चाहिए यहाँ के लोगों की। देखा ना आपने भैया। हाँ? क्या मैं इधर बैठ सकता? अरे आना बैठ। नहीं क्यों? देखो तो देखने से ही चोर नजर आ रहा है। सबसे पहले आप अपनी नेगेटिव नजर को बदलिए, बी पॉजिटिव आई से। बैठ जा। पढ़ाया बी पॉजिटिव बेवकूफ। भूख लग रही है बेटा? हाँ भैया। अरे फुल मील्स विद कोल्ड ड्रिंक। दबा के खा, चल शुरू हो जा, फिक्र मत कर। मस्त है। रुको, बिना पैसे दिए कहाँ जा रहे हो? पैसे तो मेरे। अरे वो मेरा बैग लेकर जा रहा है, पैसे उसी के अंदर हैं। बहुत फिल्मों में देखा है ऐसा, तुम्हारा ही आदमी है ना? ओहो अगर ऐसा होता तो खाना पूरा फिनिश करके जाते ना। हाँ, एक नीवाला खा के थोड़ी ना उठेंगे। ओह माय गॉड मेरा पर्स चोरी हो गया। अब यही डायलॉग बोलोगे ना? बहुत फिल्में देखता हूँ मैं। सर सिनेमा भी इंसान की जिंदगी से ही बनते हैं। अच्छा लेकिन सुनो, मैं सिनेमा के डायरेक्टर की तरह पागल नहीं हूँ। मैं तुमसे बर्तन नहीं मंजवाऊंगा और ना ही कपड़े धुलवाऊंगा और ना ही खाना बनवा सकता हूँ, क्योंकि शक्ल से तुम दोनों लगता नहीं कि खाना बना पाओगे। मेरे पैसे भरो और जाओ यहाँ से। चलो निकालो। ए, तुझसे कहा कि पैसे नहीं है तो समझ नहीं आता क्या? पैसे नहीं है। स्टार्ट होने तक वो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। चलो उतर के पकड़ ले। ए रुको, 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 ए ए रुक जा। अरे मैडम जल्दी भागिए। अरे रुक जाओ मैडम, जल्दी आइए। प्लीज रुक जा, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। कार स्टार्ट हो जाती तो हम उसे पकड़ लेते। तुम और तुम्हारी बेकार कार। तुम्हारी माँ अगर फोन नहीं करती तो बैग चोरी नहीं होता। मेरी माँ को कुछ मत बोलना। और आप मेरी कार को कुछ मत बोलना मैडम। मरने से पहले मेरे दादाजी ने गिफ्ट की थी वो वॉच है उसमें। अरे जब दादा ही चले गए तो गिफ्ट का क्या फायदा? क्या कहा? कुछ नहीं चलो। मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत कीजिए मैडम, आप बहुत स्ट्रांग है। इंसान को 4 घंटे में एक बार खाना चाहिए, ऐसा तुमने ही कहा था ना। इंसान के पास पैसे है तो कुछ भी बोल सकता है, अभी नहीं है ना।
भाई आपकी ऑटो में पोस्टर लगा दूं? अरे ये ऑटो नहीं है, कार है। पर ऑटो की तरह दिख रहा है भाई। फ्री में नहीं लगाऊंगा, 100 रुपया दूंगा ना मैं आपको पोस्टर लगाने के। हाँ बिल्कुल, 1 हफ्ते तक पोस्टर रहना चाहिए। 1 हफ्ते तक? 1 हफ्ता ही ना। हाँ एक काम कर, 200 रुपए दे और 2 पोस्टर चिपका दे। दो नहीं, 4। नहीं नहीं, 6 लगा दो तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों? आगे काम आएंगे ना। चिपकाऊंगी नहीं, बताओ। है पहले पैसे दे, उसके बाद जहाँ चाहे वहाँ चिपका, समझा ना? बराबर गिनना। ये लो मैडम, अभी तो अपना नाम बता दीजिए। श्रुति, श्रुति नाम है मेरा। श्रुति जी, लव के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओ, है ना? अच्छा, बोलिए बोलिए। प्यार वो है। हाँ, प्यार क्या है? जो दो फालतू लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो करते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता। समझ में आ गया या रिपीट करूं? नहीं नहीं, शेक्सपियर ने भी प्यार के बारे में इतना अच्छा नहीं बोला था, लेकिन आपने एकदम क्लियरली बोल दिया, आप कंटिन्यू कीजिए। तुम लड़के पहले नाम पूछते हो और फिर प्यार की बातें करते हो, बाद में आंखें मिलाते हो, उसके बाद हाथ भी पकड़ लेते हो और बात बात पर एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम जैसे लड़कों को दूर ही रखना ठीक है। संतोष, खाना खाइए। अच्छा है। और भी चाहिए? सुनो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब खा जाओ। अगर ठीक से खाया तो नाना जी चॉकलेट दिलवाएंगे। चलो खाओ। वेरी गुड। पता नहीं ये कहां पर है। नमस्ते भाई साहब जी। क्या रे सुमंत राय, सुना तेरे बेटे ने लव मैरिज कर लिया है और ये भी कि वो भाग गया है? दहेज गया हाथ से। हाँ बैठ। देश को आजादी मिल गई इसलिए बेटे और बेटी को आजादी मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है ना। आजकल 50 पैसे के मैसेज में ये सब प्यार होता है और 100 रुपए का हार गले में डालकर शादी होती है, और फिर वही बाद में आकर गांव में हंगामा करते हैं। और शादी में जो खर्च होता है ना, उसके बारे में तो तुम सोचो ही मत। अपना वो टेलर सीताराम, उसे जानते हो ना, जितना वो जैकेट में कट करता है उतने में शादी हो जाती है। बच्चे लोग घर में है या नहीं, सवाल दरअसल ये नहीं है, वो लोग कंट्रोल में है कि नहीं, पॉइंट ये। तभी गांव में हमारी वैल्यू जो है ना, वो डॉलर की तरह रोज ऊपर बढ़ती जाएगी, नहीं तो रुपए की तरह सीधे नीचे। देखो अपने बेटे को कैसे कंट्रोल में रखा है। स्पीकर ऑन किया है, सुन। हेलो हेलो, कट हो गया। ऐसा लग रहा है आपका बेटा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग, क्या है ये, बोलो क्या पोस्टर लगा है? ये पोस्टर लगा है? हाँ मेरी ही है। अब लड़के ने यही बोला, 1 हफ्ते तक निकालना मत, है ना? कहाँ गया ये कोई? अरे मैडम, आप भी हंस रही है। हो गया ना, अब चलो चलो निकलो यहाँ से, जाओ चलो चलो जाओ यहाँ से, समझ आ गया? ए भाई चल निकल निकल निकल, हो गया उसके, चल बहुत हो गया, चल हाँ चल चल, बस हो गया, चल चल निकल काम। इसकी तो अब बस करो ना। 1 हफ्ते तक नहीं निकालोगे बोला था ना। ए, तेरे को सिनेमा का नाम तो पहले बता देना चाहिए था। नहीं सुनना मुझे, 1 हफ्ते तक तुम्हें लगाना पड़ेगा। ए, ये सब गलत है, धोखा है। अच्छा धोखा, पहले 600 रुपए मेरे बाहर निकाल, फिर से निकालना। नहीं है पैसे, नहीं है तो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जा, समझा? पोस्टर को हाथ भी मत लगाना, घूर क्या रहा है, अंदर बैठ। अब जा रहा तुम हंस क्यों रहे हो? आप हंस रही हो ना? अगर आप हंसने वाली होती तो मैं पहले से रेलवे स्टेशन से पोस्टर लगा लेता। वैसे आपकी हंसी बहुत अच्छी है श्रुति जी, आप इसी तरह हंसती रहिए, फिर ये टैक्सी बिना पेट्रोल के आपके गांव तक चली जाएगी। थैंक यू।
पागल हो क्यों मैं खो जाऊं ना तुम इतनी सुंदर हो मुश्किल है रह पाना मौसम है हसी हमदम हम नशी छाया तेरा यूं नशा मैं जिसमें खोया मरे तू मेरी जिंदगी तू हर खुशी तू ही मेरा जहां तू ही सांसों में है धड़कन में है तू ही है हर जगह तेरे जलवे हर तरफ हर कहीं हर शब्द में तू ही निशब्द में भी तू ही हवा फिजा हर दुआ में तू ही तुम ही मेरी जिद में हो मेरी आदत तुम ही हो रंगी हो अंबर भी हो सारा जहां तुम ही हो छाई हो सच हो तुम सपना हो या मेरा प्यार हो रब का स्वरूप हो या फूलों का रूप हो रागों में तुम ही हो अनुराग तुम ही हो ये हुस्न तेरा संग मर मरी जैसे कोई हो परी कुदरत की कारीगरी या रब की शायरी करूं मैं बंदगी हर पल तेरी ओ मेरे हमनवा क्यों ही तू रहे रूबरू मेरे यही है एक दुआ एक मिनट क्या हुआ क्या हुआ बोलो तो सही वो जो आ रहे हैं एक मिनट फिक्र मत करो गाड़ी में बैठ जाओ कौन है बोलो फिक्र मत करो पहले पानी पियो रिलैक्स कम डाउन कौन है वो लोग ये लोग हमेशा कॉलेज के पास रहकर लड़कियों को छेड़ते हैं और कमेंट्स पास करते हैं ये बोलो ये लोग अच्छे नहीं हैं कितना भी मना करो ये लोग रुकते नहीं छेड़ते ही जाते हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं ये लोग बहुत डेंजरस हैं ठीक है कूल डाउन फिक्र मत करो यहीं बैठी रहो उन्हें मैं देखता हूँ ओए अरे मैं देख लूँगा उन्हें तुम क्यों जा रही हो और तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता गर्ल्स को देखकर कमेंट्स पास करते हो
चुपचाप शराफत सर से सॉरी बोलकर यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? लड़कियों के तुम उससे ऐसे बात करेगी? औरत को कमजोर मत समझो, उसके पंजे में भी बहुत दम होता है। ये क्या फालतू डायलॉग बोल रही है मैडम? ए तुम चुपचाप बैठो, मैं देख लूंगी। आ? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। ब्लैक बेल्ट हमारे पास भी है, जरा इसे दिखाओ रे। ये देखो। मेहनत से ब्लैक बेल्ट पाना और दुकान से खरीदने में बहुत फर्क होता है। वो नहीं उठने वाला। नेक्स्ट। अरे मेरा अपने बंदे को सिखाओ। अरे अरे यार भाई। अरे जहाँ नहीं मारता था वहाँ मार दिया रे। अरे कोई पकड़ो इसको। मेरे दोस्त को मारे की चीज़ नहीं मार। लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? हाथ छोड़ दे। अरे हाथ छोड़ दे। छोड़ दीजिए। ए भाई एम्बुलेंस तैयार रख, हम लोगों को बहुत मार पड़ रही है, हम सबको हॉस्पिटल जाना है। थैंक्स दीदी। आपका नाम तो श्रुति है पर आपकी फाइट में तो आप एकदम खतरनाक श्रुति नजर आती हैं। कम उम्र में कराटे कहाँ से सीख लिया? पवन कल्याण से सीखा है मैंने। तुमको कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कहाँ जाना है? यहाँ पर एक मंदिर है, वो बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ नजदीक ही है दीदी, आप लोग मेरे साथ चलेंगे? ठीक है चलो। चलो ना दीदी, तुम चलो, हम लोग बस आते हैं। ठीक है चलो अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है मतलब साइंटिस्ट हो गया? नो no. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम साइको हो? व्हाट? अरे वो साइको और साइंटिस्ट दोनों वर्ड थोड़े मिलते जुलते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा। विश्वास तो है पर तुम लोग जो पूजा कर रहे हो उस पर नहीं, उन लोगों पर। कौन लोग? माय पेरेंट्स, वही मेरे लिए भगवान है। पर तुम जिस भगवान की बात कर रहे हो उस पर नहीं है। बचपन में अच्छे मार्क्स चाहिए कहकर भगवान से बहुत प्रार्थना की है पर उसे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मेरे पापा ने एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढकर मुझे ट्यूशन रखा और तब आए मुझे अच्छे मार्क्स। इसलिए मेरे पापा ही मेरी नजरों में भगवान है। वो कहते हैं ना कि भगवान गलती करने पर सजा देता है, नहीं, गलती करने पर मेरी माँ बहुत मारती थी मुझे। अगर मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया होता तो गलत क्या है सही क्या है मुझे कभी पता नहीं चलता। सो दे आर माई गॉड्स। दीदी आपने भगवान के दर्शन कर लिए? अभी नहीं। इस भगवान को बहुत लोग मानते हैं, जाकर दर्शन कर लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अरे हाथ जोड़कर दर्शन कर लेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। उसके विश्वास के लिए अपने विश्वास को साइड में रखकर भगवान के दर्शन कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राइवर संतोष। चक्रवर्ताय तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम नीलाद्रि निवास नित्याय परमात्मने सुभद्र प्राणनादाय श्री जगन्नाथाय सार्वभौमाय मंगलम नीला निवासाय नित्याय परमात्मने हे रुद्रभद्राय नाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम। तुम्हें टीका लगाना भी नहीं आता? संतोष कहाँ है तू? हे, गाड़ी की लाइट नहीं काम कर रही है।
अबे इसीलिए मैंने तुझे फोन भी किया था, तूने कॉल ही नहीं उठाया। अरे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना तुझे। तूने मेरी टैक्सी का नाम पढ़ा है ना? टैक्सी का नाम मॉर्निंग टैक्सी। अब गाड़ी की लाइट क्यों नहीं चलती समझ गया ना? मतलब नाइट में गाड़ी पार्क कर दे, रात में अब कुछ भी नहीं होने वाला। गाड़ी खड़ी करके वापस चला। हेलो क्या हुआ? लाइट्स काम नहीं कर रही। हाँ मैडम, शॉक लगा। काम करती तो शॉक होती ना। अभी बहुत ज्यादा ही देर हो रही है, चलो वॉक करके चलते हैं। यहाँ शेर होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ रात को शेर घूमते हैं। ऐसे जंगल में शेर थोड़े होते हैं। होते हैं मैडम, अगर चलते चलते रास्ते में अकेले मिल गए तो डिनर करेंगे, और साथ में दो मिल गए तो दोनों साथ में डिनर करेंगे। अब क्या करें? देखिए वहाँ पर एक लाइट जल रही है, चलिए देखते हैं। यस नमस्ते अंकल। आप लोग कौन हैं? कार बंद पड़ गई है अंकल। वैसे कार ने कभी ट्रबल तो दिया नहीं, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। वो क्या है, हमने सोचा कि रात में पैदल चलते चलते जंगल से चले जाएंगे, पर नाइट में लेफ्ट राइट चलते चलते राइट में आपके घर की लाइट दिखी, और हमने सोचा रात यहीं पर गुजार सकते हैं। मैंने मैडम से भी कहा कि रात बिताने के लिए अच्छी जगह है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फास्ट फास्ट आपके पास आ गए। अगर आप परमिशन दे दें तो मेरे इस खूबसूरत बंगले पर रात भर गुजार कर विदाउट कैश दिए सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके बिना पैसे दिए जाने का प्लान है तुम्हारा? एकदम क्लियरली समझ गए आप। ओके सॉरी, एक हफ्ते पहले एक कपल ने आकर बहुत चीप बिहेव किया था यहाँ। ओह नो, हम लवर्स नहीं हैं आंटी। मतलब फ्रेंड्स हो? हाँ, रुकने के लिए तो सब वैसे ही बोलते हैं। आंटी हम लवर्स भी हैं अंकल, और हम दोनों फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन उससे भी पहले हम दोनों एक पति पत्नी हैं। क्या बकवास कर रहा है? ओहो, पर हमको बेवकूफ बनाने से पहले इसे मंगलसूत्र पहनाना चाहिए था ना। ओहो, अरे तुम मंगलसूत्र कहाँ है? वो सुबह नहाते वक्त निकाल कर रख दिया था ना। हाँ ओके। तो पाजेब कहाँ है? वो क्या है कि पाँव में थोड़ी सूजन आ गई थी ना, निकाल कर साइड में रख दिया है। अंकल हमारा प्यार है ना, लव। पता नहीं, पर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों पति पत्नी नहीं है। सुन लिया ना क्या कह रही है, तुम्हारी वजह से पूरी जर्नी खराब हो गई। अरे तुम क्यों मेरी वाइफ बनी? अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो आज इनके सामने इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। तुम मुझे क्यों ताने मार रही हो? ये सब तुम्हारी गलती की वजह से। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी। नहीं तुम। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी। नहीं तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। चुप रहो। अगर तुम छोटी बात पर झगड़ रहे हो तो तुम दोनों सच में पति पत्नी ही हो। ओके प्लीज कम। आ जाओ आ जाओ। This is your room. Fresh हो जाओ। हमारा room? Separate room नहीं है क्या? Separate room चाहिए? इसका मतलब तुम दोनों कहीं? वही तो कह रहा हूँ सर, मैंने क्यों इसे शादी की? मुझे तो हरदम लगता है कि तुमसे शादी क्यों की? हाँ, सब समझ में आ गया मुझे। तुम दोनों number one पति पत्नी हो। अब जाओ, freshen up and come for dinner. Fast. Hi. Hi. एक ही घर में शिव और जीसस। हम दोनों एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। टेक योर सीट। अगर एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाएं वही तो प्यार कहलाता है। आजकल तो प्यार करना बहुत आसान हो गया है, आई लव यू बोलते हैं और मैसेज कर देते हैं, बात करना है तो फोन कर लेते हैं, चेहरा देखना है तो वीडियो कॉल कर लेते हैं। आजकल तुम लोगों की जनरेशन जो है वो प्यार कर रही है एंड्रॉयड फोन को, या सच में प्यार कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हमारे जमाने में प्यार की बात कुछ अलग ही थी। लेटर्स लिखना, नजरें मिलाना, एक दूसरे के चक्कर लगाना, और जो पसंद आए उससे बात करने के लिए महीनों निकल जाते थे, और एक दूसरे से मिलना हो तो सालों गुजर जाते थे, और प्यार की बात करने के लिए और कई साल निकल जाते थे। इतना प्यार करते थे तब, इसीलिए प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं हुआ। इसका मतलब आप लोगों की लव मैरिज है? और नहीं तो क्या, वरना क्या मेरा बाप इस अंग्रेज गोरी से शादी करवा देता मेरी? कैसी बात कर रही है। अंकल आपको इतने पसंद आ गए, लंदन के लड़कों में ऐसी कौन सी बात नहीं है जो आपको अंकल में दिखी?
इनकी मूछे, जब ये अपनी मूछों को तान देते हैं तो कमाल के लगते हैं। अच्छा तो तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया? वन ईयर वन मंथ। तुम दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, तुमने या तुमने? इसने। मामला कुछ गड़बड़ है अंकल। जिस टाइम मैंने प्रपोज किया उसी समय इसने भी किया, और इसने जब प्रपोज किया तो मैंने भी कर दिया था। क्या मतलब? हम दोनों ने एक साथ प्रपोज किया और दोनों को प्यार हो गया। मेरे कहने का मतलब? आप और कुछ मत पूछिए, मैं बाकी सब भूल गया। ओ अच्छा, सालों पहले हमारी शादी हुई लेकिन हमें सब कुछ याद है, और तुम्हारी एक साल पहले शादी और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, है? वो क्या है अंकल, बातों में तो नहीं बोल सकते ना इसलिए। अच्छा तो एक काम करो, गा के सुनाओ, कम ऑन सिंग। अरे सिंग कम ऑन, गा के बताओ। आएगा आएगा। क्या बात है, ये बड़ा कंफ्यूज लग रहा है, गाएगा कि नहीं गाएगा? जो सारी सारी दुनिया से लड़ जाए वो जुनून, दिलदारा दिलदारा लहरों को चीर यारा दिल से निभा ले प्रेम तू, जो दिल में है आरज़ू दिखा दे करके पूरा तू, जो तेरी है जुस्तजू मिले वो ये सोच तू, उपाय कोई तू ना कर ना छोड़ तू, भले ही रूठे दिल बर। दिल जानी है तू दीवानी है तू, जीऊं मैं तेरे ही लिए। तकरार जब ना हो इसी में प्यार के मजे हैं, कदम जहां भी आरा रख दे तू, मैं दिल वहां पे आरा बिछा ले तू, चांद है हमारा सुंदरी, ये नसीब मेरा है ये तू है मेरी, प्यार करूं तुझसे ओ जान जाना, बिन तेरे कोई भाए ना, ओ मेरे हमदम तेरे लिए हाँ करूं फलक से जंप ना ना ना, ना। रात का समय ये चंदा मामा, और प्रेम का समय ये चंद्रमा, प्यार के लिए है दिल का होना, दो दिल मिले जहां हो हंगामा, दिल में बसा ले बस ये इश्किया, फिर देख पाएगा तू गहराइयां, लगेगी तुझको पागल ये दुनिया ही, दीवानगी पे होगी दीवानगी, कोई भी जादू करंट कोई असर करेगा फिर नहीं, पागल हो गया क्या, मजाल किसकी छुए जो कोई है खुद में हमको गा मारे, जो सारी दुनिया से लड़ जाए वो जुनून, दिलदारा दिलदारा लहरों को चीर यारा दिल से निभा ले प्रेम तू, जीना है शान से जीना जमाना कुछ भी ये कहे, फिकर किसी की करना ना यही है इश्क पगले, जो की है यारी तो है निभाना ये बात तू भी जान ले, रहे न कट्टी सदा हो बट्टी तो दुनिया सारी जीत ले। नन्नारा नन्नारा या।
ए, मेरे बेड पर आकर क्यों सो गए? देखिए, नाइट में तेरा मेरा कुछ नहीं होता, सब कुछ हमारा है। ये बेड हमारा है, ये बेडरूम हमारा है, ये बाथरूम भी हमारा ही है। ओवर एक्टिंग मत करो ड्राइवर संतोष, तुम्हारी तो ए! ये बेड मेरा है, ये ब्लैंकेट तुम्हारा है, और ये कूलर मेरा है, और ये खिड़की तुम्हारी। लेकिन दिमाग मेरा है, कंफर्ट तुम्हारा है, ओके ना? गुड नाइट। अगर लड़कियों पर विश्वास करो तो जमीन पर ही सोना पड़ेगा। तैयार नहीं हुए, सुबह ही ससुर जी का फोन आया था। ससुर जी टेंशन में है, चलो जाना है। दो दिनों के अंदर ही हमारी शादी है, आप लोग जरूर आइएगा अंकल। जाते ही आपको फोन करेंगे, चलो ना। तुमने तो हमें कमाल का बेवकूफ बनाया। छोटी छोटी बात पे लड़ झगड़ रहे थे तो सोचा कि तुम लोग पति पत्नी हो। वैसे तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है ये बताओ। मैं ड्राइवर हूँ सर, और ये पैसेंजर है। तुम दोनों में से ये आइडिया किसका था? इसका। अरे वो लोग अपने से इतना ऑनेस्ट थे तो उन्हें चीट करना मुझे पसंद नहीं आया, और वैसे भी हमारी कोई लव स्टोरी तो नहीं है, जस्ट स्टोरी है ना। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में कोई लव स्टोरी नहीं है? अरे क्यों नहीं है, उसका नाम कविता था, वो 6th स्टैंडर्ड में थी और मैं 6th क्लास में। मतलब दोनों एक ही क्लास में थे ना? अरे आप समझी नहीं, वो इंग्लिश मीडियम में थी और मैं हिंदी मीडियम में। वैसे उस टाइम पर इंग्लिश हमें नहीं आती थी मैडम। एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे इंग्लिश में आई लव यू बोल ही दिया। तो फिर उसने क्या कहा? उसने भी आई लव यू टू बोला। मतलब वो भी मान गई ना? अरे पूरा सुन तो लीजिए, बेसिकली हिंदी मीडियम में थोड़ा उल्टा होता है। उसने जो आई लव यू टू बोला वो मेरे एक दोस्त को बोला, अब उन दोनों के बीच में मैं क्या करता, इसलिए ड्रॉप हो गया। अरे हंसी है मत, मेरा दर्द आपको कॉमेडी नजर आ रहा है। सॉरी सॉरी। उसके बाद कभी प्यार नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, फिर कभी नहीं सोचा, पर पद्मा को देखा तो वापस प्यार में गिर गया। वो कितना पढ़ी थी? उसने तो पूरी दुनिया पढ़ी थी। ज्योग्राफी की स्टूडेंट थी क्या? नहीं नहीं, जेरॉक्स शॉप में काम करती थी। वैसे पद्मावती को देखने के बाद कविता बोलकर नहीं लिखकर पास हो जाऊंगा सोचा था, इसलिए लव लेटर लिखकर एक दिन डायरेक्ट उसके हाथ में दे दिया। तो फिर उसने क्या कहा? उसने सीधे ओरिजिनल और जेरॉक्स हाथ में रखकर, सर एक रुपया छुट्टा है तो दो बोला। उसके बाद? उसके बाद क्या, लवर को उसने कस्टमर समझ लिया। So funny. इतना तो मैं आज तक कभी नहीं हंसी। आप हमेशा ऐसे क्यों नहीं हंसती? तुम्हारी जैसी कंपनी हमेशा नहीं मिलती ना। पर तुमने मेरी सोच बिल्कुल बदल दी, अब मैं समझी कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। आप जैसा कोई? मैडम ये मेरा नहीं उसका है। मैडम ये सच में मेरा नहीं, वो उसका था। जी जी, इतने चीप हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं ऐसी चीजें इस्तेमाल भी नहीं करता। गाड़ी रोको। मैंने सोचा था तुम एक अच्छे लड़के हो, पर मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हो। कभी कभी अपनी आंखें भी तो धोखा खा जाती है ना। सही कह रहे हो, मेरी आंखों को लगा कि तुम अच्छे हो, पर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। एक बार मेरी बात तो सुनो। जुबान नहीं, कार रोको। मैडम मैडम एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैडम अरे सुनिए तो मैडम 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 अरे अरे मैडम डोंट फॉलो मी। हाँ बोल भाई। ए
कार में कॉन्डम क्यों रखा यार? यार दिल तो बच्चा है जी, इसीलिए सेफ्टी रखना जरूरी है। अरे कार की सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट रखते हैं, स्टेपनी रखते हैं, फर्स्ट एड किट रखते हैं, कॉन्डम कोई रखता है क्या? अरे यार इसकी वजह से बहुतों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। अरे लेकिन अभी मेरी जिंदगी की वाट लग गई है, उसके मन में मेरे लिए जो पॉजिटिव फीलिंग थी उसकी एक मिनट में तूने वाट लगा दी। कथा कहीं का वो छोड़कर जा रही है, सब कुछ खराब कर दिया। सामने से हट जा। लड़की को छोड़ दो। ए पीछे हट जा, ज्यादा शार्प पट्टी मत दिखा। बात कर रही हूँ, हमारे पास एक नई स्कीम आई है सर, 5 महीनों में अगर आपको कुछ हो गया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अरे 5 महीने में नहीं, 5 मिनट में कुछ मिलने वाला है तो बताओ। ऐसा कोई ऑफर नहीं है सर। मैं तुम्हें बम्पर ऑफर दे रहा हूँ, लिख लो। क्या है सर? अकाउंट नंबर है 4348464072, पासवर्ड 49143, एक्सिस बैंक अकाउंट। सर अकाउंट में 5 लाख रुपए होंगे, ये पूरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। सर फिर से वापस फोन मत करना और वो जॉब भी मत करना। थैंक यू सर। हाँ
क्या सोच रही हो? आफ्टर ऑल एक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में 5 लाख रुपए कहां से आ गए? आई एम नॉट अ ड्राइवर। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है तेरे। और मेरे हीरो क्या हाल चाल है तेरे? अबे तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? देख यार तेरा बाप ना तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहा है। तो देखने दे उनकी ड्यूटी है। तेरा मतलब ये है कि वो जहाँ बोलेंगे तू वहाँ पर शादी कर लेगा? वो दिखाएंगे हम देखेंगे, ये अपनी ड्यूटी है। तूने बोला था तू प्यार करेगा फिर शादी करेगा। देख यार प्यार करने से बेटर है पहले शादी कर ले उसके बाद प्यार कर। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोना होता है ना, दोनों करता है ना, बकवास आइडिया मत दे। तेरे को बकवास लगा? होता है बोलकर सुना था, और प्यार को जीतने के लिए कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। लव एट फर्स्ट साइट। एक लड़की को देखने के बाद पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने का फैसला किया था मैंने। तुम्हारे बारे में भी पर प्यार कुछ ही देर मेरे साथ रहा। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो और मैं इस टैक्सी की टेंपरेरी ओनर हूँ। हम दोनों के बीच बस यही रिलेशन है, वो भी 4 घंटे की जर्नी के लिए। दूर से तुम इतनी खूबसूरत लगी, फिर पास आने के बाद और भी पसंद आ गई तुम। माय पेरेंट्स, वही मेरे लिए भगवान है। अरे हाथ जोड़कर दर्शन कर लेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। उसके विश्वास के लिए अपने विश्वास को साइड में रखकर भगवान के दर्शन कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्राइवर संतोष। इस अट्रैक्शन की वजह से लव नहीं हुआ है, ट्रू लव हुआ है। इसलिए तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टैक्सी ड्राइवर बनके इस प्यार को पूरी तरह अंजाम देकर तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने का सपना सच करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जर्नी करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं होगा क्योंकि अब भगवान भी नहीं चाह रहा है। I love you and I miss you. मैंने भी ऐसे ही सोचा। देख लीजिए ये पेड़, ये जटाएं, इन सब ने मुझे बचा लिया। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए। मैरिजेस आर मेड इन हेवन ऐसे सुना था। मेरी भी शादी वहीं फिक्स हुई है सोचा था, लेकिन इधर धरती पर हो गया ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव दिस। ए ध्यान से कहीं गिर ना जाओ। अरे इतने हैप्पी मोमेंट को एंजॉय तो करने दो। दुनिया को उल्टा देखो तो कितनी अच्छी दिखती है। ये बात मैं अभी समझाऊं मैडम। ए पागल हो क्या? सीधे तो हो जाओ। पहले मुझे आई लव यू बोलो तभी सीधा होऊंगा। अभी? हाँ हाँ अभी। मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। आई लव यू, प्लीज प्लीज स्टॉप। बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगी। मर जाऊंगी पर नहीं बोलूंगी। जब तक नहीं बोलोगी इसी तरह लटकता रहूंगा, फिर मर जाऊंगा, सोच लो। तो लटके रहो, तुम्हारी मर्जी। मैं गिर रहा हूँ, अगर गिर गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। गिर जाओ। यहाँ पर श्रुति कौन है? मैं हूँ, क्या हुआ? वो ट्रीटमेंट के लिए इनकार कर रहे हैं। जब आप शादी के लिए हाँ कहेंगी तभी वो ट्रीटमेंट करवाएंगे। क्या नाटक है ये सब? सॉरी, अगर किसी भी लड़की से बोलो शादी कर लो तो वो तुम्हारी तरह रिएक्ट होगी, इसलिए पहले तुम्हें मेरे बारे में जानना जरूरी है। मेरा नाम संतोष है, मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए,
और घर चलाने के लिए इतने सारे पैसे काफी हो जाते हैं ऐसा लगता है। सिस्टर थोड़ा कॉटन देंगी क्या? ये लीजिए। हफ्ते में मैं एक बियर पीता हूँ। हाँ लेकिन उस दिन मैं घर भी नहीं आऊंगा। अगर ज्यादा टेंशन में रहा तो एक सिगरेट या सुट्टा मारता हूँ, लेकिन अगर तुम बोलोगी तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। हाँ अगर दहेज की बात करो तो वो मैं तुमसे लेने वाला नहीं हूँ। अभी तो बोल दो तुम मुझसे शादी करोगी? ये वक्त है क्या इन सब बातों का? तुम्हें समझ में आ रहा है? सिस्टर मेरे सर पर मार लगी है क्या? नहीं बोल रही है, पर बाकी के सारे पार्ट्स को लगी है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा। दो मिनट अच्छे से सोच लो फिर बता दो, बेचारी सिस्टर को भी लेट हो रहा है। आप दोनों कुछ तय कीजिए ताकि मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं। करूंगी, इसका ट्रीटमेंट कीजिए। संतोष है, मेरे जीवन में जिस खुशी की कमी थी वो खुशी उसने मुझे दी। तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं मूडी हूँ, अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं रही, मैं बहुत खुश हूँ और इसकी वजह ये है
वाव, तो अपने संतोष से कब मिलाओगी? आज या तो कल, ज्यादा लेट नहीं करूंगी। वन सेकेंड, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके दीदी, बाय। तो सब ठीक है ना? तुम्हारे पापा से शादी की बात करें? पहले मुझसे बात करो। तुमने जो कुछ मुझे बताया है वो सब कुछ सच है ना? हो, सैलरी के बारे में, वो बेसिकली 1.7 तो कभी 2.7 भी होता है, राउंड फिगर जोड़कर मैंने बोला। सैलरी के बारे में नहीं। तो फिर हो, अच्छा बियर के बारे में, फ्रेंड्स हो तो एक दो ज्यादा हो जाती है, वेडिंग्स या एनिवर्सरी होती है ना? वो बात भी नहीं है। तो फिर तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है? संतोष। सिर्फ संतोष है? जस्ट संतोष बोले तो संतोष शर्मा, संतोष कुमार। तो यहाँ क्या लिखा है, संतोष रेड्डी? हाँ, संतोष रेड्डी। मेरा नाम क्या है पता है तुम्हें? श्रुति कीर्तना शर्मा। हाँ तो? अभी तक समझ नहीं आया तुम्हें? तुम्हारी कास्ट और मेरी कास्ट बिल्कुल अलग है। कास्ट? लव में कास्ट का क्या संबंध है? तुम्हें नहीं होगा, पर मेरी फैमिली को इससे मतलब है। तुम लोग चिकन खाते हो, हम लोग पालक खाते हैं। तुम मटन खाते हो तो हम करेला खाते हैं। तुम पोहा खाते हो तो हम बिरयानी खाते हैं। और क्या, वो तो शादी के बाद सबको छोड़ दूंगा मैं, नॉनवेज छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहले सब ऐसा ही कहते हैं, बाद में मुझे ही चिकन बनाने को कहोगे। अरे यहाँ तुम्हें मार लगी है। देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे लिए मम्मी पापा सब कुछ है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो लोग जैसे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे हाँ बोल दिया तो? वो लोग सपने में भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी कास्ट बिल्कुल अलग है और तुम्हारी कास्ट अलग है। अरे तुम्हारे लिए मैं मौत के कुएं से निकला हूँ। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कह सकती हूँ। थैंक्स? बच गए ना, लीव इट। तुमने मुझसे प्यार किया ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, पर अभी मैं इस प्यार को कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल करने के लिए कोई फ्लाइट की टिकट या ट्रेन की टिकट है क्या? इट्स लव। यू नो, लव इज अ मैटर ऑफ ब्रेन, सो यू कैन इजीली डिलीट इट। अगर डिलीट कर दोगी तो रिसाइकल में भी रहेगा। इसे वहां से भी डिलीट कर दूंगी। अच्छा फाइनली तुम क्या कहती हो? आई लव यू इफ यू आर ऑफ माय कम्युनिटी, आई विल मैरी यू इफ यू आर ऑफ माय कास्ट। अरे तुम ऐसे टांग दे दोगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। नीचे उतरो, नीचे। आप SI हैं? नहीं, हेड कांस्टेबल। तो कांस्टेबल हैं, मैं तो SI सोचकर डर गया था। अच्छा, SI हो या कांस्टेबल हो, पुलिस पुलिस होती है। उनको 50,000 मिलते हैं, आपको 10,000 मिलते हैं, इसीलिए हमें गिफ्ट भी मिलता है। लाइसेंस दो अपना। वो तो पर्स में है सर। दिखाओ। पर्स मिस हो गया। और RC? सुनिए, कार को देखकर आप ये सब नहीं पूछ सकते। फिर क्या पूछना चाहिए? लिफ्ट मांगनी है तो लिफ्ट मांगो, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं सर? नहीं, फायर स्टेशन जा रहा हूँ। अरे आप इतना फायर क्यों हो रहे हो? आप पुलिस वाले से पूछोगे कि पुलिस स्टेशन जा रहे हो तो क्या जवाब देगा वो? ऐसी बात नहीं है सर, मेरा बैग चोरी हो गया। अरे इनका बैग चोरी हो गया, इनका पर्स चोरी हो गया, यहाँ सबका सब चोरी हो गया, मैं क्या करूँ? लेकिन आपका क्या चोरी हो गया? बीवी चोरी हो गई। किडनैप हो गई क्या सर? नहीं, भाग गई। हाँ, तुम सामने देखो, नहीं तो कहीं भिड़ा दोगे। नाम क्या है? श्रुति सर। बैग कहाँ चोरी हुआ? इनकी माँ ने फोन करके कहा था कि बैग संभाल के रखना, तभी बैग चोरी हुआ था सर। शट अप। होटल में लंच कर रहे थे तब चोरी हुआ। करेक्ट सर। चोर कैसा दिखता है? सर वो बच्चा है, अगर हम देखेंगे तो उसे पहचान लेंगे। छोटा सा, गोरा सा? जी हाँ। आपको कैसे पता? मुझसे ज्यादा सर पहचानते हैं, सर का ही बेटा है ना वो। अरे कमाल है सर, पुलिस का बेटा चोर कैसे हो सकता है? ये सब मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत। बचपन से ही वो ऐसा। 5वीं क्लास में था तब अपनी माँ की पायल चोरी कर ली। मैं तो CI था लेकिन उसने SI बना दिया मुझे। हमारे साहब का यूनिफॉर्म चुरा कर कहीं और बेस डाला उसने। जाओ उसे लेकर आओ। जी सर।
आ गया सर। मैडम आपका बैग। सब कुछ है ना? हाँ सब कुछ है दीदी। सॉरी डैडी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कितनी बार बोलेगा तू गधे? ऐसे क्यों मेरी बेइज्जती करवाता? मैंने क्या कमी छोड़ी तेरी जिंदगी में? सर प्लीज सर, रुकिए सर। क्यों अपने पापा को ऐसे बदनाम कर रहे हो तुम? दीदी मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने डैडी का नाम क्यों खराब करूँगा दीदी? मुझे भी अपने डैड की तरह अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कोई भी चीज चुरा लेता हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता और सब कुछ हो जाता है। डैडी जब मारते हैं तो बहुत बुरा लगता है दीदी, और मेरे डैडी का नाम खराब हो रहा है, इसके लिए अफसोस भी होता है। देखा बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन कल दोबारा यही काम करेगा फिर कहीं और हाथ मारेगा। एक मिनट सर, आपके बेटे को सच में बीमारी है और उसका नाम है डेफ सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है जिसमें उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लोग चोरी कर रहे हैं, बचते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे पर यही सच है सर, आपका बेटा चोर नहीं है, पेशेंट है। इसे मारेंगे डांटेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाकर प्यार से इसका ख्याल रखोगे तो एक दिन आपका बेटा पुलिस ऑफिसर बनेगा। हाँ सर, ये लड़का सही बोल रहा है, एक बार कोशिश करते हैं सर। क्या नाम है तुम्हारा? विजय। अरे तू नाराज क्यों हो रहा है? तू कोई चोर वोर नहीं है, कल का होने वाला पुलिस ऑफिसर है, चोरों को तुझे ही पकड़ना है। हाँ बेटा चल। चलो हंसो। तुमसे जो लड़की शादी करेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। तो फिर तुम क्यों नहीं करती? जब तुम्हारे अच्छे काम देखती हूँ तो लगता है काश हमारी कास्ट में पैदा होते, पर मेरा ही बैड लक है। तुम मेरे लिए ज्यादा फील मत करो, मुझसे शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ रेडी हैं। क्या कहा? कौन है? हाँ, कीर्ति रेड्डी, स्वाति रेड्डी, स्नेहलता रेड्डी, बहुत सारी रेड्डीज हैं दुनिया में। तुम बस तुम्हारे बारे में सोचो, बेटर रहेगा। मुझसे भी शादी करने के लिए बहुत से लड़के हैं, श्रीनाथ शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, रवि शर्मा, मुरली शर्मा। हाँ हाँ, रोहित शर्मा, ईशान शर्मा, ये भी तो होने वाले पति हैं। शट अप। ग्लास ऊपर करो, ग्लास ऊपर करो। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बाहर नहीं, पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। ये शांति से गाना भी नहीं गाने देता। हाँ बोल यार, क्या बात है? ए, अरे बारिश हो रही है यार, हर बात के लिए मुझे फोन क्यों करता है? कहीं पर रुक जाना। अरे कार में बारिश हो रही है, रेनी सीजन है ना, लगता है मैं एक्स्ट्रा टायर रखना भूल गया हूँ। अबे कधे टायर पंचर हो तो पंचर बना सकते हैं, छत पंचर हो गई तो कैसे बनाएंगे? यार तू मुझे भाषण देना बंद कर, कार में टेप रखा उसे ऊपर लगा दे, पानी बंद हो जाएगा। कहाँ पर है वो? सामने वाली डेस्क पर होगा। Thank you.
क्या हुआ? ऐसे छोड़कर क्यों आ गए मुझे? मैं बस दो मिनट तुमसे बिना बोले कार के बाहर आ गया तो तुम रह नहीं सकी, और प्यार करके एक घंटे के अंदर बिना बचे बताए छोड़ने की बात कर रही हो तो कैसा लगता होगा? कोई फालतू कारण नहीं बताया, वही कारण है। कारण इंसान को मिलाने वाले होने चाहिए, अलग करने वाले नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे प्यार से ज्यादा उन लोगों को अपनी इज्जत प्यारी है। ऐसा था तो तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? उस वक्त तुम्हें कुछ हो ना जाए इस डर से ऐसा कहा। जिस लड़की को तुम कुछ ही वक्त पहले मिले हो उसके लिए 25 साल के अपने माँ बाप की परवरिश को तुम ऐसे ही भूल जाओगे? इसे प्यार नहीं पागलपन कहते हैं, और उसी पागलपन में तुम कुछ गलत ना कर दो इसी डर से मैंने ऐसा कहा था। और अभी क्या कहा कि 2 मिनट अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं जी नहीं सकूंगी। तुम्हें जितने टाइम यहाँ रहना है रहो। सुपरमैन कैसे हो? मामा जी मेरे लिए क्या लाए? पहले मुझे हग करो फिर बताऊंगा। ओके। तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? चलो बताओ बताओ। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए ये रेसिंग कार। वाओ। सुनो मामा जी थक कर आए हैं, उन्हें परेशान मत कर, बाहर जाओ। ओके। और तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूं। ठीक है दीदी। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ बिल्कुल। 2 दिन बाद लड़की देखने आ रही है। लड़की कोई और नहीं, मेरे फ्रेंड की बेटी है। बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और गांव में उसकी बहुत वैल्यू है। बस कुछ दिन पहले ऐसे ही बातों बातों में उसने पूछा, तेरा बेटा कैसा है, कहाँ है। मैंने सोचा मौका क्यों गवाया जाए। मेरे एंड्रॉइड फोन में तेरी फोटो थी, मैंने उसे दिखा दी। देखते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। हाँ इतना उत्साहित मत हो, उसका रिएक्शन तुम्हारी फोटो देख करके नहीं थी, मेरी हैसियत से थी, मेरी डिसिप्लिन से थी, और सोसाइटी में जो मेरी इज्जत है उसकी वजह से थी। कहते हैं ना कंपनी देकर प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, यही है। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट एंगेजमेंट ही रखूं। वही लोग फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले। मुझे पसंद नहीं है। तुझे पसंद आए या नहीं, तेरी शादी यही होगी, और ये जुबान तेरे बाप ने नहीं दी है, इस गांव के चौधरी रेड्डी ने दी है। मैंने क्या तेरी माँ को देख करके हाँ की? बाप ने कहा कर लो, मैंने शादी कर ली। क्या अब हम लोग खुश नजर नहीं आए? बड़ों की बात सुनिए, जो बोले वो खाइए, और जो लड़की दिखाए उससे शादी कर लीजिए। इसलिए तो उन्हें बड़ा कहते हैं ना। बड़े होने का मतलब उम्र निकल गई, पेड़ की तरह बड़े हो गए, ये नहीं होता है। वैल्यू वैल्यू होती है बेटा। जाओ अंदर जाओ, तेरी माँ ने तेरे चक्कर में कल से खाना छोड़ दिया है। अपना छोड़ दिया तो ठीक है, पर मेरा क्यों बंद कर दिया उसने?
अरे क्या बात है, आपस में दोनों बहने क्या खुसर पुसर कर रही है? अमेरिका कैसा है? वो ट्रंप आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया सुना है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, सब कुछ ठीक है। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास उदास लग रहा है। ये लीजिए। क्या देख रही हो, फैन कौन चलाएगा, तुम्हारा बाप चलाएगा? हाँ। स्पीड कौन बढ़ाएगा, तुम्हारे दादाजी? बेटी के ऊपर इतना प्यार मत जताइए। अगर बेटी पर नहीं तो क्या कुत्तों के बच्चों पर दिखाओ प्यार? क्या बात करती हो तुम भी बेवकूफ। चलो सीधा मुद्दे पर आता हूँ। बेटा कभी तुमने किसी से प्यार किया है? डरो मत बेटा, हमारा भी लव मैरिज ही है। अरे वाह, आपकी बेटी का तो कोई जवाब ही नहीं है सर। एक्टिंग मत कर जा यहाँ से। देखो क्या है ना बेटा, तुझे बुलाती तू आ गई, जब भी फोन करो उसका जवाब दे देती हो। तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है इसलिए मैंने तुमसे बिना पूछे रिश्ता तय कर दिया है। ए खड़ी खड़ी तुम मेरा चेहरा क्या देख रही हो, जाओ लड़के की फोटो लेकर आओ। बेटा लड़का बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, बहुत संस्कारी भी है। वो अमेरिका नहीं गया क्योंकि विदेश पसंद नहीं है, वो चाहता है कि इंडिया में रह करके वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करे। मुझे उसका ये विचार अच्छा लगता है, और जो इंडिया को रिस्पेक्ट करता है वो औरतों की जरूर रिस्पेक्ट करता होगा। ये। बेटा एक बार फोटो देखकर तुम्हारे दिल में जो है उसे बता दो। इसका मतलब मैं क्या समझूं? पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ पापा। ये कैसे बातें कर रही हो, तुम्हारे पापा कितना अच्छा रिश्ता लाए हैं। सुनिए आप जाकर नहा लीजिए, मैं इससे बात करती हूँ। क्या बात करेगी, क्या बात करेगी, वो शादी के लिए मना कर रही है ना, अभी नहीं करेगी ऐसा बोल रही है। अपने दिल में कोई बात ना छुपाकर सीधा मुझसे बोल रही है, मतलब कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है। बच्चों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, उस बात को समझ लेना ही हम माँ बाप का कर्तव्य होता है। अब समझ गई या और समझाओ? हाँ समझ गई, समझ गई। बेटा घबराने की बात नहीं है, तू हमारे साथ रहना चाहती है रह, बिल्कुल फिकर मत कर, मेरा ही दोस्त है, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है? थैंक यू पापा। ओके। मामा जी मुझे एक डाउट है। क्या बेटा? आई लव यू का क्या मतलब है मामा जी? तुझे ये डाउट क्यों आया? कल मेरे क्लास की बिन्नी ने मुझे आई लव यू कहा। मुझसे ज्यादा तो तेरी पोजीशन अच्छी है। पर मामा जी आई लव यू का क्या मतलब है? अभी तुझे बताऊंगा तो तू नहीं समझेगा। टीचर ने भी यही जवाब दिया, शायद मुश्किल सवाल है। क्या सच में आई लव यू कहना इतना मुश्किल होता है? हाँ बहुत मुश्किल होता है, तू जाकर खेल। मामा आपने मामी की फोटो देखी? नहीं देखी। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। गाड़ी के अंदर से ये बैग मिला है। हेलो श्रुति, मैं बोल रहा हूँ संतोष। मैं उनकी छोटी बहन बात कर रही हूँ। रुकिए दीदी, संतोष जी का फोन है। मामा जी। हे मामा जी, मामी का फोटो देखिए। दीदी इसको एक बार यहाँ से लेकर जाओ। मामा जाओ ना, फोटो देखिए ना, एक बार देखिए, एक बार। दीदी मामा इसे ले तो जाओ यहाँ से। टिंकू मामा जी आराम से बाद में देखेंगे, चलो यहाँ से। हेलो कैसी हो? ठीक हूँ,
नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? अपना बैग तुम कार में भूल गई, डायरी में देखकर फोन कर रहा हूँ। बैग कहाँ लेकर आऊँ? मेरे गांव की नदी है ना, वहां पर। ठीक है, और कुछ कहना चाहती हो? नथिंग। ठीक है, एक घंटे में आता हूँ। ओके। थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ठीक है दीदी, बाय। हेलो अंकल। तुम कौन हो बेटी? अंकल मैं संतोष की फ्रेंड हूँ। फ्रेंड हो या उसकी गर्लफ्रेंड हो? अंकल देखो बेटी, एक ना एक दिन तो बोलना ही है, सावन का महीना है, शादी का सीजन है, और एक ना एक दिन इस बात को तो कहना ही है। वो बात नहीं है अंकल। हाँ, घुमा फिरा कर बात करना मुझे जरा भी पसंद नहीं। तुम सीधे पॉइंट पर आ जाओ बेटी। संतोष मुझे पसंद करता है अंकल, और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो ये प्यार हद से कुछ ज्यादा ही गुजर चुका है अंकल। देखो बेटी, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम उसे भूल जाओ, उसे तुम अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो, नहीं तो बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। सामने वाले को मैं जुबान दे चुका हूँ, तुम अगर करोड़ों रुपए भी दहेज में लेकर आओगी ना, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि मेरी अपनी वैल्यू है। तुम्हारे भी तो एक पिताजी होंगे ना, जिन्होंने 20 साल तक तुम्हें पाला पोसा होगा। 20 साल तक तुम्हें पालने पोसने के बाद इस दुनिया में एक आजाद पंछी की तरह घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया होगा, क्योंकि उसे तुम पर विश्वास था। और तुमने क्या किया? तुमने उनके विश्वास की कोई इज्जत नहीं रखी। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कोई आजाद लड़की नहीं हो, तुम भी एक आम लड़की हो, और तुमने उसे जुबान दे दी, दिल दे दिया, हाथ फिसल गया। अरे उसके लिए तुम मेरे ही बेटे को ले उड़ी। प्यार किया तो किया, चलो अब वहां पर रुकना नहीं है। 4G की स्पीड से डायरेक्ट बाप के पास जाकर कहोगी, पापा यही मेरा पति है और यही मेरा परमेश्वर है, इसे आपको अपनाना ही होगा। ये तुम्हारे घर की वैल्यू है, ये तुम्हारे बाप की तुम्हारे गांव में वैल्यू है, और इसके साथ साथ मेरे गांव में मेरी जो वैल्यू है वो बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर की तरह बाजार में उसी समय नीलाम हो जाएगी। वैल्यू चली गई तो कोई बात नहीं, पर उसके साथ मेरी जान भी चली जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि गांव में मैं सिर्फ जिंदगी नहीं गुजार रहा, इस गांव में मैं अपनी वैल्यू भी जी रहा हूं। सिर्फ MBBS डॉक्टर ही नहीं बेटी, कभी कभी हम जैसों की जान तुम जैसी बच्चियां भी बचा सकती हैं। सोच लो, अपने बाप को वैल्यू दोगी तो समझो मुझे भी दे रही हो। प्यार करती हो, लेकिन मुझसे झूठ क्यों कह रही हो यह मैं नहीं जानता। सब लोग बहुत झूठ बोलते रहते हैं, फ्रेंड फ्रेंड से झूठ बोलता रहता है, बाप बेटी से झूठ बोलता है कि कल मैं लेकर आता हूं, पति अपनी पत्नी से झूठ बोलती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। सब लोग झूठ बोलते रहते हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपनों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम हो कि मुझे दर्द देने के लिए झूठ बोल रही हो। क्या झूठ? तुम्हारा नाम छूटा है। और? हमारी शादी के लिए हमारा सरनेम प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आई वॉन्ट एन आंसर। बैग। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग मर कर भी एक दूसरे को मिलाते हैं, ये बैग भी, लेकिन तुम ये समझ नहीं पा रही हो। Thank you.
ये बच्चा कौन है? मेरा बाप है। तू दिमाग खराब मत कर। मामा जी, क्लासरूम में लड़के लड़कियों को हमेशा सेपरेट क्यों बिठाया जाता है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और साइंस दोनों सीख लेंगे। शादी का क्या मतलब है? जो इंसान दूर रहता है वो बाद में जर्नी करता है। इसका मतलब हम दोनों की शादी हो गई मामा जी? गड़बड़ हो रही है, प्लीज कार रोको। एक तो पहले हम लोग लेट हो चुके हैं। अगर गाड़ी नहीं रोकी तो गाड़ी गंदी होगी। मेरी किस्मत। अब देख क्या रहा है, जल्दी से कर। जीप कौन खोलेगा? तेरी तो। जीप भी खोलने नहीं आती तुझे? किसने बोला तुझे आई लव यू? बिंदी। जा जाके कर, जल्दी फास्ट। अगर इसे बॉर्डर पर भेजो ना तो पूरा देश खत्म कर देगा। अरे हो गया क्या? नहीं हुआ अभी तक। जरा जल्दी कर। मामा जी, फिल्मों के हीरो को भी ये प्रॉब्लम होती है? सिर्फ फिल्मों के हीरो को नहीं, तुम्हारे पापा को, मेरे पापा को, सबको प्रॉब्लम होती है। हो गया मामा जी। आ रहा हूँ मैं। चल खड़ा हो जा। एक मिनट रुक। मामा जी मुझे एक डाउट है। अब क्या है? मामा जी रातें तो बहुत सारी होती है, तो ये फर्स्ट नाइट क्या होती है? ए, तू चुपचाप सो जा, आंखें बंद कर। भाभी, भाभी। अरे रमना, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। लक्ष्मी और बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया है। भैया घर पर है ना? हाँ ऊपर है। अच्छा। अभी बुलाती हूँ, सुनिए। नमस्ते। क्या हाल है रमना? भैया नमस्ते। कैसे हो? भैया नया घर खरीदा है। सत्यनारायण की कथा रखी है, आप कर भाभी को जरूर आना है। आ जाएंगे। बेटी चाचा के लिए कॉफी लेकर आओ। लाती हूँ पापा। और बच्चे कितने हैं तुम्हारे अभी? भगवान की दया से एक बच्चा है। अरे तो इस एक बच्चे में भगवान की क्या दया? मेहनत तुमने की, फल तुम्हें मिला, अब तू बाप बना है, इसमें भगवान का नाम क्यों ले रहे है? और बेटे को कैसे देख रहे हैं? फ्रेंड की तरह ही देख रहा हूँ। वो क्यों? तू जब बैठ कर पिए तो वो तेरा साथ दे, और जब वो प्यार करे तो तू सेटिंग करे। एक खींच कर दूंगा कान के नीचे, फ्रेंड वेंड बोला उसे तो। बेटे को बेटे की तरह देखना चाहिए। देखो करेक्ट टाइम पर आया है बिल्कुल। ये है मेरा बेटा, तुमने इसे लैंडलाइन के जमाने में देखा होगा, अब तो स्मार्टफोन का जमाना है। इन्हें पहचानते हो? रमना जी हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारे चाचा लगते हैं। हाय चाचा जी। हाय। तुम्हें पता है इसकी परवरिश मैंने कैसे की है? ये पांच पांच दिखाकर, देखो ये पांच पांच दिखाकर, चार छपते थे इसके गाल पर। जानते हो इसे मैं पत्ता गोभी दिखाकर कहता था, ये फूल गोभी है, पत्ता गोभी नहीं। है।
ऐसे एक बात और है जो तुम्हें पता नहीं होगा। सुनिए जी, ये सब कुछ अभी क्यों? तू अंदर जा बेटा। कहाँ चला? उसके बारे में ही तो बात कर रहा हूँ ना, उसे जाने के लिए बोल रही है। देखो इस तरह से दबा कर रखेंगे तो अपनी वैल्यू बनी रहेगी, अगर घर में केजी वैल्यू है तो बाहर क्विंटल में होगी। देखो बेटे की परवरिश के बारे में तुझे ये पता नहीं ना? क्या भैया? गर्मी के वक्त अगर पापा ने बुलाया है तो फिर छतरी लेकर आना चाहिए, सर्दी में कंबल मांगने से पहले ले आना चाहिए, और बारिश के दिनों में हम भीगने नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे हमारे मरते दम तक हमारी औलाद हमें वैल्यू देती रहेगी। सही कहा भैया। भैया अच्छा मैं चलता हूँ। पैदा कर लेते हैं, परवरिश करना नहीं आता, भगवान बचाए। कुछ नहीं माँ, उनकी बातों के बारे में सोच रहा है। कैसे उन्हें बर्दाश्त कर रही हो तुम? क्या कहा उन्होंने? कितना दिल दुखाते हैं वो, कैसे रहती हो उनके साथ, उनकी जुबान से कैसे शब्द निकलते हैं। अगर उनकी पसंद की लड़की से शादी ना करूं तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, उन्हें कोई परवाह नहीं है। बचपन में मुझे घोड़े पर बैठकर खिलाया, इस बात का एहसास है मुझे माँ, लेकिन उन्होंने हमें जो शरीर दिया है उस पर तो वो जिंदगी भर राज नहीं चला सकते। पालन पोषण के लिए माँ बाप की क्या जरूरत है माँ, हॉस्टल्स है ना, पर आया को बच्चों के दर्द का एहसास नहीं है, वो माँ को पता होता है। वार्डन भी जानता है कि बच्चे गलती करो तो उन्हें मारो, लेकिन गलत क्या है और सही क्या है ये बाप समझाता है। और पापा का क्या है माँ, वैल्यू वैल्यू कहकर वो अपनी वैल्यू मेरी नजरों में खत्म करवा रहे हैं। पांचवी क्लास में जब मैंने बोला पापा आपने जिस स्कूल में एडमिशन करवाया वो अच्छा नहीं है, तो आप लोगों ने सीधे सीधे मेरा स्कूल ही चेंज करवा दिया माँ। मैं कह रहा हूँ कि जो लड़की मुझे पसंद नहीं है उससे मुझे शादी नहीं करनी है, तो भी पापा मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं, और जब मेरी बोलने की उम्र आई तो मुझसे कह रहे हैं कि तू मेरे सामने बात मत कर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो बदल गए हैं या मैं बदल गया। वही बदल गए हैं, बचपन में सिर्फ एक घंटा ही तेरे बारे में सोचते थे और अब हर वक्त तेरे बारे में ही सोचते हैं। मेरे बारे में हर वक्त सोचते सोचते वो अपने बारे में सोचना भूल गए हैं माँ। उनका ब्लड प्रेशर कितना है उनको पता है? उनका शुगर लेवल कितना है उनको पता है? नहीं, लेकिन उनसे मेरे 10th के मार्क्स पूछो, बिना गलती किए सब सही सही बताएंगे। एक बाप को एक बेटे के लिए जितना करना चाहिए उससे ज्यादा किया उन्होंने। उनके गुस्से में मैंने प्यार देखा, उनकी चीख में मैंने रास्ता देखा, शायद उनकी नजर में मैं बच्चा हूँ और वही मेरे रोल मॉडल हैं, वही मेरे हीरो हैं। उनकी नजर में मेरी जो वैल्यू है वो आज या कल गिर सकती है, पर मेरी नजर में उनकी जो वैल्यू है वो कभी नहीं गिर सकती। अनजाने में मैंने एक लड़की से प्यार किया, कारण बताए बिना ही मुझे वो छोड़कर चली गई। जिससे प्यार किया उससे शादी तो नहीं कर पा रहा हूं, कम से कम उन्होंने जिसे पसंद किया है उससे शादी कर लूंगा तो वो खुश रहेंगे। पापा से बोल दो माँ, उन्हें जो लड़की पसंद है मैं उससे शादी करूंगा। होश संभालने से लेकर अब तक सिर्फ एक ही चीज का पागलपन है, और वो है वैल्यू। उसको हिंदी में संस्कार इज्जत यही कहते हैं, सही कहा ना? हाँ, यही एक बीमारी है मेरी, दूसरों को भी बीमारी है। किसी को 50-60 एकड़ जमीन की बीमारी है, किसी को 50-60 लाख करोड़ रुपए की बीमारी है, हर किसी की अपनी बीमारी है। सिम्टम्स इसके कैसे होते हैं जानते हो? सुबह से शाम तक इज्जत इज्जत बोलकर वो अपना सर नोचते रहते हैं, दिन भर बस यही सोचते रहते हैं कि गाँव वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और हम जैसे जो लोग है ना
कभी किसी राम गोपाल को या कभी किसी शिव गोपाल को एक विलन की तरह ओढ़ लेते हैं। ऐसी बीमारी को खत्म करने के लिए होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी कोई भी पैथी करवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, छत्रपति समझने लगते हैं। मुझे इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेकर गए। इस बीमारी का ना तो उनके पास कोई इलाज निकला और ना ही कोई प्रोसीजर से ये निकलने वाला है। तू भी क्या बिना मीनिंग की बात कर रहा है? मीनिंग है ना भाई, बिना मीनिंग के मैं ये सब क्यों बोलने वाला भला? हमारे जनरेशन के बहुत सारे फादर मेरे विचारों वाले हैं। आसपास के लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे ऐसी बातें सोचकर हम अपने बच्चों का एडमिशन कॉर्पोरेट कॉलेज में करवा देते हैं। एक हफ्ते के बाद बच्चा फोन करके हमसे बोलता है, पिताजी यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, मैं वहीं पढ़ना चाहता हूँ, अपने साथ ले चलो। उस समय हमें उसका रोना बिल्कुल सुनाई नहीं देता, हम उससे वहीं पर पढ़ने को कहते हैं। हमारी वैल्यू कब ना हो जाए, हमें इस बात का डर होता है। लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी का संबंध मैंने अमेरिका में कर दिया। बहुत खुश था मैं, चलो बेटी अमेरिका जाकर के बस गई है। आती है तो पूछता हूँ कैसी हो बेटी, बोलती है अच्छी हूँ और फिर अंदर चली जाती है। उसकी खुशी के पीछे कितना दुख है ये अब मुझे समझ में आ रहा है। उन्हें अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का सुख नहीं चाहिए, उन्हें अपने माँ बाप का सुख चाहिए, ये हम समझ नहीं पाते। हम सोच लेते हैं कि वो लोग खुश रह रहे हैं, पर वो वाकई में खुश है कि नहीं ये हम नहीं समझ पाते। मेरा ये पागलपन अब खत्म हो गया, चला गया। अपने इस झूठे वैल्यू को लेकर अपने बेटे को बहुत दुख दिया है, जिससे वो प्यार करता था उसे दूर कर दिया है। अब जो गलती हुई है उसे सुधारना चाहता हूँ यार। तू कहना क्या चाहता है? बोला ना, मेरा बेटा जिस लड़की से प्यार करता है उसी से। तेरी बात मैं समझ गया हूँ, अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता देख लूँ यही ना? मेरी बेटी ने कब का इस शादी के लिए मना कर दिया है, पर तुझे कैसे पता था? तू तो वैल्यू करके आसमान सर पे उठा लेता, इसी बात का डर था, लेकिन तूने खुद ही बोल दिया। अरे इतने सालों बाद मिले हैं, तू अभी तक मेरे घर नहीं आया है, अब तुझे मेरे घर पर आना होगा। वैल्यू हो या ना हो, बेवजह कभी किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए वक्त और वजह दोनों होना जरूरी है। ऐसा बोल के समझ में आया। देखो तुम्हारी बेटी की शादी में मैं अपने बेटे और बहू के साथ जरूर आऊंगा, ठीक है ना? थैंक्स। सुनो बेटा। हाँ पापा। मेरे लिए क्या लेकर आया है बेटा? पापा देख, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आया है ना, तो मेरे लिए क्या लेकर आया है? एक मिनट। हाँ पापा। बेटा यही है ना? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। इस उम्र में लड़के अक्सर बहक जाया करते हैं और मेरी उम्र में इंसान संयम से मुझे चलाना चाहता है, पर मैं तुम्हें जो अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं ये बिल्कुल गलत है। ये बात मुझे बहुत देर से पता चली। 25 साल तक बाप को बेटे के बारे में सोचना चाहिए और 25 साल के बाद बेटा बाप के बारे में सोचने लगता है ना? नहीं जानता था पापा। बेटा ये सब काम धंधे के बीच में मुझे कुछ बस कीजिए पापा। जब देखो तब इन 5 उंगलियों को उठाकर बस इनकी बातें करता था, पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ ये समझ नहीं पाया, कभी समझ नहीं पाया था। इसके अलावा मैंने जो सबसे बड़ी गलती की है, संतोष मुझे पसंद करता है अंकल, और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। देखो बेटी, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम उसे भूल जाओ। क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। क्योंकि गांव में मैं सिर्फ जिंदगी नहीं गुजार रहा, इस गांव में मैं अपनी वैल्यू भी जी रहा हूँ। सोच लो, अपने बाप को वैल्यू दोगी तो समझो मुझे भी दे रही हो।
जो वक्त गुजर चुका है उसे वापस नहीं ला सकता, पर एक बार जरूर कहूंगा सॉरी बेटा। वैसे मेरी गलती माफी लायक नहीं है, मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए हो बेटा। अब मैं तुम्हें मिलाऊंगा, मैं ही मिलाऊंगा तुम दोनों को। पापा अभी किस लिए, कल जाएंगे ना पापा? जब बारिश आए तभी छाता खरीदना चाहिए, गर्मियों में नहीं। उसी तरह से जब जो काम करना है तभी करो। तुम्हें लड़की पसंद है कि नहीं बताओ? हाँ पापा पसंद है। तो फिर सोचना क्या है, चलो बढ़ो आगे। पता नहीं उसके पापा कैसे होंगे। पापा ये बात तो है, अगर मेरे जैसा हुआ तब तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, महिला से ले लीजिए, भगा कर ले चलेंगे। पापा चलो यार। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? अब से मैं तुम्हारा बाप नहीं रह गया, तुम्हारा दोस्त हो गया। चलो आगे बढ़ो जल्दी। पापा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चल चल डर मत, चल। यही है उसका घर? हाँ पापा। पापा एक बार और सोच लेते हैं, मुझे कहीं कुछ गड़बड़ करेक्ट नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है उसके एक बेटी है, मैं उसी को फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ। बेस्ट है। हाँ हेलो। हे क्या आधी रात को फोन कर रहा है तू? शादी कैंसिल है बता चुका हूँ ना। अरे शादी की बात करने के लिए फोन नहीं किया है मेरे भाई। हाँ। अपने बेटे के प्यार के बारे में बात करनी है तुमसे। अगर अपने बेटे के प्यार के बारे में बात करनी है तो लड़की के बाप को कॉल कर, मुझे क्यों कर रहा है? अरे यार तू एक लड़की का बाप है इसलिए मुझे लगा कुछ सलाह दे देगा। क्या बोला? तो मैटर ये है कि शुक्रवार को मेरे बेटे ने एक लड़की से प्यार किया था। जवाने करेगा ही। और शनिवार को मेरे बेटे को उस लड़की ने भी प्यार किया था। वो भी जवान हो गई, वो भी करेगी। अब हुआ ये कि शनिवार की दोपहर को मैंने उन दोनों को अलग कर दिया। अब मेरी पोजीशन बताओ यार। तो संडे के आधी रात को तू मुझे क्यों फोन कर रहा है? वो क्या है, इस वक्त हम उस लड़की के घर के सामने हैं। मैं लड़की को भगा कर ले जाने की बात कर रहा हूँ पर मेरा बेटा मना कर रहा है। अब तेरा क्या बोलना है? तू मीनिंग की बात कब से करने लगा है? तू गुस्सा क्यों हो रहा है यार? तेरी लव मैरिज है ना, इसीलिए तो पूछ रहा तुझसे। हाँ बात तो सही है, पहले तुम लड़की के बाप से मिलो, क्या है क्या नहीं है सब जान लो, उसके बाद बात बनेगी। ओके अब बताया ना तूने, ठीक है। घर के अंदर तो आ गए, लड़की का रूम कैसे पता चलेगा? बताता हूँ जिस रूम में लाइट जल रही होगी वही लड़की का रूम होगा। लाइट वो है ना, लाइट जल रही है। अरे जब लड़कियां प्यार में होती है ना तो लाइट ऑन करके लवर के बारे में सोचती हैं। क्या हुआ बेटी, अभी तक सोई नहीं तुम? नींद नहीं आ रही। जल्दी से लाइट ऑफ करके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बोल। अरे भाई तुमने जो बात बताई वो तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकता था, इतने अच्छे तरीके से बताया तुमने। अच्छा छोड़, सुबह होने तक ये सब काम कर ले। हाँ ओके ओके चल 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 चल। अरे धीरे धीरे बेटा आराम से। मैं ही नहीं मेरे पापा भी आए हैं। तुम्हारे पापा क्यों आए? घबराओ मत, वो बदल चुके हैं। हाँ बेटे मैं बदल चुका हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए तो मैं ही मिलाने के लिए चला आया हूँ। क्या हुआ, घर में गया कि नहीं? बस अभी अभी घर में आया हूँ। कहाँ पर है तू अभी? मैं रूम के बाहर हूँ। तो वहीं कहीं छुप जा, अगर उसके बाप ने देख लिया ना तो बेवजह का पंगा हो जाएगा। हाँ तू सही बोल रहा है। हाँ मैं छुपता हूँ।
है तो मेरे घर में चोरी करने के लिए आया क्या? देखो मैं चोर नहीं हूँ, मेरी वैल्यू है, बहुत वैल्यूएबल इंसान हूँ। कैसी वैल्यू? जरा अपना चेहरा तो दिखा। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो तूने सेकंड सेटअप भी रखा हुआ है? फालतू बातें मत कर तू, मेरा सिर्फ दो सेटअप है। अच्छा जी, एक ही बेबी है। मैं अपनी बेटी को भगाने की सलाह दे सकता हूँ क्या? अच्छा मतलब फ्राइडे मॉर्निंग तेरे बेटे ने मेरी बेटी से प्यार किया? हाँ तेरी बेटी से। सैटरडे मॉर्निंग तेरी बेटी ने मेरे बेटे से? हाँ मेरे बेटे से। सैटरडे आफ्टरनून ब्रेकअप तूने करवाया? तेरी बेटी और अपने बेटे के बीच। और संडे शाम तेरे बेटे की जो शादी कैंसिल की वो? तेरी बेटी और मेरे बेटे की। मतलब उस रूम में मेरा बेटा और तेरी बेटी है? मेरा बेटा और तेरी बेटी। लगता है मेरा बाप पकड़ा गया। मैंने अपने बेटे को तेरी बेटी की फोटो नहीं दिखाई, सच में। यानी कि तूने अपने बेटे को अंधेरे में रखा। हे, मेरे घर से मेरी बेटी को भगाने का प्रोग्राम कर रहा है? अरे बगल वाले के घर से तेरी बेटी को नहीं भगा सकते ना, इसलिए। पापा आप ठहरिए, ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है। कहने लगे कि बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूँ, दोस्त हूँ, ऐसा बोलकर यहाँ तक लाए हैं मुझे। इनके पीछे इनका एक बेवकूफ दोस्त भी है और वो एक प्लेबॉय की तरह इन्हें सलाह देता है। मुझे बताइए ये गधा कौन है? सुनो, तुम बीच में आकर क्यों बोल रही हो? ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ क्यों लग रहा है? सर मैं श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा कितना प्यार करते हो? भाई जितनी मुझे खीर पसंद है बस उतनी ही। पापा आप रुक जाइए, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपकी बेटी मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। अब इसकी शादी मेरे साथ करवा दीजिए। मैं करवाऊंगा। तुम दोनों की शादी बहुत जल्द करवाऊंगा, जो करना है कर लेना। दादाजी ने दी हुई वॉच। थैंक यू। टेंशन में हो? एक मिनट खड़ी रहो। उठो। दिन में अगर 8 बार हम हग करें तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में सही तरीके से काम करता है। मैं हग करूं? जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम उनका नाम भूलोक रखेंगे, तब तक हम उन्हें चुन्नो मुन्नो कहकर पुकारेंगे। अगर हमारा बेटा होगा ना तो हम उसे आर्मी में भिजवाएंगे। हाँ भिजवा तो सकते हैं, पर बच्चा अगर तुम्हारी हाइट का पैदा हुआ तो वो लोग लेंगे या नहीं ये डाउट है। यू?